यहाँ पे नानी देखो ये कटहल बीज का जो साफ कर रहा है सब्जी बनाने के लिए। तो मुझे कटहल बीज जो है ना बहुत पसंद है, इसका सब्जी बहुत पसंद है, हमारे घर में सब लोग खाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो नानी अभी साफ कर रहा है और मम्मी भी साफ कर रहा था, तो नानी मम्मी अभी राइस बना रहा है। तो सुबह का खाना यही है हम लोगों का आज का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम 11 बज चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए जो हमारा एरिया है। तो देखो मैं ये डाल लिया हूँ और ये थवा ये दाव लिया हूँ, तो जो भी चेहरा है वो लगाएंगे कुछ। और अभी देखो टाइम 11 बज चुका है लेकिन लग नहीं रहा कि 11 बज गया। देखो मौसम कितना काला करके रखा, अंदर धूप भी बिल्कुल नहीं उठा है, लग रहा है जैसे कि अभी सुबह सुबह हुआ, अभी 8 बज रहा है जैसे, और बारिश भी बूंद बूंद हो रहा है। ये देखो ऐसे बारिश में भीग के अगर काम करोगे तो बुखार आ जाएगा, अगर बुखार आ जाए तो प्रॉब्लम होना। वैसे भी मेरा तबीयत अच्छा नहीं, भीग के ना पूरा तबीयत बिगड़ चुका है, इतना जोर से बारिश हो रहा है ना। देखो पूरा ये कहाँ पे घुसा हुआ, देखो ये जहाँ बांस का नीचे हो क्योंकि भीगूंगा नहीं बोल के फिर भी बारिश गिर रहा है इसका नीचे, और बारिश तो कितना जोर से हो रहा है। A few moments later. यहाँ पे दोस्तों गांता कुरेंगे जो कि सुपारी का वो बहरा है ना, वहाँ से पूरा 2-3 फुट 3 फुट दूर दूर लाइन बाय लाइन कुरेंगे यहाँ से सीधा। तो चलो फिर कुटते हैं। दोस्तों इतना धूप है ना, देखो पूरा पूरा करक धूप का पसीना, देखो कितना। और धूप में ये सब काम करना ना भड़वर्क होते हैं। तो देखो ये जगह था कुछ इस तरह से दिया है, देखो और भी वहाँ पे दिया, देखो 10-12 दिया हूँ और अभी पूरा धूप हुआ है। देखो गाय को यहाँ पे बांधा हूँ, देखो फिलहाल घर जाके चेरा भी उठाना है इसके लिए, और गाय को भी केला का झाड़ काट के देना है, और थोड़ा धूप का खत्म होने के बाद आएंगे क्योंकि बहुत ही गर्मी है, खतरनाक। और चप्पल देखो पूरा मिट्टी में भर गया, मिट्टी के चप्पल बन गए। और देखो गाय को भी गर्मी लगा तो भी तालाब में नहा रहा है कि गर्मी लगने से उसको नहलाना है, पर खुद तालाब में आके यहाँ से नीचे नाम जाता है। और फिर देखो नहा रहा है अभी पूरा, उसको भी गर्मी ज़्यादा लगता है ना, तो पानी का जो बॉडी में पड़ेगा तो ठंडा लगता है, अच्छा लगता है ठंडा पानी में। तो डेली इसको इतना ही नहलाना पड़ता है, सिर्फ उसको नीचे उतार दो वो खुद बे खुद इधर जाकर उधर उठ जाता है। और ऐसे डेली नहाने से क्या होता है, उसका जो ऊपर का जो लूम है ना उसका वो कलर अच्छा होता है और पूरा न्यू दिखता है रूमो। अभी वो उधर से उठ जाएगा, सीजन में भी नहलाने से ऐसा देखने में उसका कलर जो है पूरा चमकता रहता है। अभी देखो उसका बॉडी का कलर। A few moments later. So, यहाँ पे दोस्तों देखो चेहरा उठा लिया और जो गांता कोरा था वहाँ पे तेल ले जाके लगाएंगे। So, दोस्तों देखो ये चारा लेके जा रहा हूँ और वहाँ जाके अभी लगाएंगे। A few moments later. दोस्तों अभी 3 बज चुका है और मैं अभी काम से आ रहा हूँ। देखो और क्या हुआ, आज मैं जंगल काट रहा था, काटते काटते अचानक एक सांप निकल गया, सांप काटने वाला था मेरे को, हाथ से पकड़ लिया था, लम से जंगल पकड़ के फेंकने वाला था, तो जंगल के साथ हाथ में पकड़ लिया था, अचानक से देख लिया, वरना मेरा लाख अच्छा था वरना काट लेता था।